साथियों, यह चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव केवल आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव उन तमाम बातों का चुनाव है, तमाम बदमाशियों का जवाब देना है जो बदमाशियां 10 साल में इस भाजपा सरकार ने की है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस चुनाव में हमें जवाब देना है। जब किसानों के सर पर लाठियां मारी गई किसान आंदोलन में, तब मैंने आवेश में लिखा था कि किसानों के सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी इस तानाशाही भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और मुझे लगता है साथियों कि आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। 25 मई 2024 को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से आप सबके अजीज प्रत्याशी राव दान सिंह जी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर इतना भारी इंकलाब नांगल चौधरी सर महेंद्रगढ़ भिवानी से पैदा कीजिए ताकि दिल्ली के तानाशाहियों के तख्ता पलट हो जाएं। मैं आप लोगों का कहना चाहता हूं साहब, हमारे छोटे छोटे गांवों में क्या सपने पलते हैं साहब, छोटे छोटे सपने पलते हैं। या हमारे दक्षिणी हरियाणा के इस क्षेत्र में एक आम गरीब किसान परिवार यह सपना देखता है कि छोरा जब 16-17 साल का होगा तो ये भाग दौड़ करके पढ़ लिख करके थोड़ा सा टेस्ट पास करके फौज में लग जाएगा, इसकी जवानी सुधर जाएगी, इसका ब्याह हो जाएगा, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। यही छोटे छोटे सपने हमारे दक्षिणी हरियाणा में गुड़गावा से लेकर नांगल चौधरी तक पलते हैं साहब। और इन छोटे छोटे सपनों पर लात मारने वाली इस निकम्मी भाजपा सरकार के खिलाफ में अग्निवीर योजना लाकर फौज जैसी सर्वोच्च सम्मान की नौकरी तक को भी कच्चे व ठेके पर रखने वाली इस भाजपा सरकार को जवाब देना है। और यह कहना है कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अरे अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर लेकिन हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। और आपको सरकार बनानी है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, सबको मतदान करना है, एक एक बटन हाथ के निशान पर दबना चाहिए। और यह नहीं सोचना कि एक एक वोट से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। किसी ने सही कहा है कि तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकता है, जिद पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐसी सियासत कभी सोचा भी नहीं होगा तूने, एक इंसान हुकूमत तक हिला सकता है। बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली कर दें, और जो साथी इसके स्टेज के लेफ्ट और राइट साइड को है वो आगे की तरफ कार्यक्रम में आगे की तरफ आ जाएं। पायलट साहब आपके बीच में आ गए हैं। सचिन पायलट आपके नेता यहाँ मंडी में आ चुके हैं। मैं एक बार निवेदन करता हूँ आगे की पंक्ति में जो भी लोग बैठे हैं, हमारे सम्मान नेता बैठे हैं और हमारे विधायक, हमारे जो भी हमारे नेतागण प्रथम पंक्ति में हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि प्रथम पंक्ति में पायलट साहब के साथ नेता आ रहे हैं वो बैठेंगे, तो कृपया उनको स्थान देने का कष्ट करें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ है, उन्हें लगे कि नांगल चौधरी की धरती पर आए हैं, उन्हें लगे कि हरियाणा की धरती पर आए हैं। सचिन पायलट जी हमारे बीच कुछ ही सेकंडों में आपके बीच आपके सामने इस मंच पर होंगे। मैं निवेदन करता हूं प्रथम पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं वो कृपया आए हुए नेताओं के लिए जगह कर दें। और जोरदार जयकारा होना चाहिए, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, राव दान सिंह जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, राव दान सिंह जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट हमारे बीच आ चुके हैं, जन जन के नेता, हिंदुस्तान के मन के नेता सचिन पायलट जी हमारे बीच मंच पर आ चुके हैं। अभिवादन स्वीकार करेंगे आपका सचिन पायलट जी, उनके साथ राव दान सिंह जी हमारे प्रत्याशी, विजेंद्र ओला जी हमारे झुंझुनू से होने वाले सांसद, सचिन पायलट। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। हमारे झुंझुनू से होने वाले सांसद विजेंद्र ओला जी,
अनीता यादव जी हमारे बीच आ चुकी है यहाँ दिल्ली से। मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि मंच को खाली कर दें। अपनी कुर्सी पड़ेंगे मंच पे। मंच को खाली कर दें जितने भी साथी हैं। अगर आप सचिन पायलट से मोहब्बत करते हैं, आप सचिन पायलट से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो जितने भी लोग मंच पर हैं वो नीचे हो जाएं। भाई एक बार सब बैठ जाए प्लीज। भाई मंच पे जितने लोग एक बार रास्ता बनाए प्लीज। बैठ जाओ मंच पे, सामने से हट जाओ सब लोग। प्रदीप एक बार सब लोग सामने से उधर हो जाओ, सब लोग उधर हो जाओ। भाई एक बार आप लोग करो पीएस प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाओ सब। सुनील एक बार पुनः निवेदन है, जितने भी लोग मंच पर हैं, आप सभी कार्यकर्ता हैं, सचिन पायलट के प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप सभी लोग नीचे हो जाएं मंच पर। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि स्टेज के नीचे से मैं निवेदन करता हूं। सबसे पहले हमारे जितने भी साथी हैं मंच को खाली कर दें। सबसे पहले हरियाणा की जो पहचान है, हरियाणा की जो निशानी है, उसके साथ हम स्वागत करेंगे 51 मीटर की पगड़ी के साथ। आप ये सम्मान संभालें, मैं निवेदन कर रहा हूं। सर्वप्रथम 51 मीटर की पगड़ी के साथ मैं एक बार निवेदन कर रहा हूं, जितने भी साथी हैं आप स्वागत करें। सबसे पहले मैं निवेदन करने जा रहा हूं, हमारे बीच चंद्रप्रकाश एडवोकेट जी हैं, आपसे निवेदन है कि आप कृपया चांदी का मुकुट भेंट करके आप माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत करें, और उसके साथ नांगल चौधरी और हरियाणा की पहचान ये विशाल सम्मान के रूप में ये पगड़ी 51 मीटर की पगड़ी भेंट करके स्वागत कर रही है नांगल चौधरी की जनता, अभिनंदन कर रही है अपने नेता का। इक्यावन मीटर की पगड़ी के साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। भाइयों आप सबसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ आप सब लोग, खुद की सहूलियत के लिए। सजराज भैया थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सा खींचो भाई है। भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा। सरपंच साहब थोड़ी व्यवस्था बनाओ, मास्टर जी थोड़ी व्यवस्था बनाओ, थोड़ा पीछे कराओ। एक बार निवेदन है, जितने भी लोग यहां पे खड़े हैं, हम इसके साथ ही मैं निवेदन करने जा रहा हूं,
और ये सम्मान की पगड़ी हरियाणा की इस धरा पर जन जन के नेता, हिंदुस्तान के मन के नेता सचिन पायलट जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करने जा रहा हूँ चंद्र प्रकाश एडवोकेट जी से कि आप कृपया चांदी का मुकुट भेंट करके उनका स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रवीण चौधरी जी चेयरमैन साहब से कि आप भी कृपया चांदी का मुकुट भेंट करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच यादराम जी रावत प्रधानाध्यापक, होशियार रावत जी से निवेदन है, चंद्र प्रकाश एडवोकेट जी चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं होशियार रावत जी से कि आप राव दान सिंह जी का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करें। होशियार रावत जी प्रधान साहब, विकास गुजर एडवोकेट से निवेदन है कि आप जिंद्र ओला जी का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करें। और एक बार मैं आवाज देने जा रहा हूं, जो मशाल आपने हरियाणा में जलाई थी उस मशाल को मजबूत करते हुए आदरणीय सचिन पायलट जी ने और बिजेंद्र ओला जी ने प्रथम चरण में कांग्रेस की लहर को शुरू करने वाले राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, आपके होने वाले झुंझुनू के सांसद बिजेंद्र ओला जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और अपना संबोधन दें। बिजेंद्र ओला जी, महेश सोडा जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। भाई ओला साहब आपको संबोधित करेंगे, एक बार प्लीज सब लोग चुप रहें, प्लीज एक बार प्लीज थोड़ा साइड में हो जाएं सब लोग। भैया आज की चुनावी सभा में हमारे जन जन के प्रिय नेता, देश के युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब, आपके यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार राव दान सिंह जी आदरणीय मंच मेरे सामने भी राजे हुए। इस विशाल जल समूह में आप जो सब लोग पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये चुनाव कोई दो व्यक्तियों या दो पार्टियों का नहीं है, ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, जिन लोगों ने भय का वातावरण इस देश में कर रखा है, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी के बाद देश का नवनिर्माण किया और देश को भाई से भाई को जोड़ने का काम किया। आज ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। एक तरफ भय का वातावरण करके और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दूसरे तरीके से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में इस चुनाव में गरीब के लिए, किसान के लिए, आम आदमी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आपके यहाँ सेना में बहुत लोग जाते थे, आपके यहाँ ले आए अग्निवीर। किसानों के नाम पर कहा गया कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, पर हरियाणा के लोगों के किसान के बारे में कौन ज्यादा जान सकता है। आपने उस आंदोलन की आग को झेला है, उनके अत्याचारों को झेला है। आपके यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह जी को उम्मीदवार बना के भेजा है, योग्य उम्मीदवार हैं, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, कोई सैकड़ों फोन हमको करते हैं राजस्थान में आपके कामों के लिए। इसलिए हम सब लोग आपसे यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबा के राव दान सिंह जी को सफल बनाएं,
इससे न केवल आपको एक उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा बल्कि इस घमंडी सरकार को यहाँ से विदा करने का भी अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आपके बीच में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब पधारे और सभा को संबोधित करें। राम राम साहब। आप लोगों के बीच में युवा दिलों की धड़कन, युवाओं की आवाज, किसान की आवाज, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे लाडले सचिन पायलट साहब, हमारे यहाँ के लाडले प्रत्याशी भाई राव दान सिंह जी मंच पर मौजूद, हमारे विजेंद्र ओड़ा जी, हमारे इंदिरा जी गुजर साहब एमएलए साहब, सम्मानित मंच ही कह देता हूँ भाई, सारे एमएलए, सारे पूर्व एमएलए, सारे मिनिस्टर और यहाँ उपस्थित पूरी नांगड़ चौधरी इलाके की पूरी सरदारी, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा। आज जो देश के अंदर जो हालात बने हैं, 10 साल से नरेंद्र मोदी ने अगर किसी का खून बहाया है तो वो इस देश की गरीब जनता है, किसान है, जवान है, युवा है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायर, किसान को कहता है एमएसपी दूंगा और बदले में 3 काले कानून देता है, वापस कराने के लिए 750 किसानों की जान लेता है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज देश के अंदर हालात सही नहीं है। ये तानाशाही सरकार चाहे जिसको ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज के अंदर कर देती है, जो केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है उसको बेल मिल जाती है और केजरीवाल को जेल मिल जाती है, दलित आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं। ये देश के अंदर प्रजातंत्र है। इन लोगों ने तानाशाही, हिटलर शाही इस देश के अंदर मचा रखी है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अगर इस तानाशाही को खत्म करना चाहते हो तो ये आखिरी मौका है, इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये लोग 400 पार की बात करते हैं, 400 पार चाहते हैं ताकि इस देश का संविधान बदल सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ये लोग बदलना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं हमें उनको बदलने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को, जब वो जयपुर से चले थे तो नांगल चौधरी की धरती थी, जिन्होंने इनको तब मजबूती दी थी, और एक बार फिर नांगल चौधरी की धरा से आवाज उठेगी। राव दान सिंह जी संसद में पहुंचेंगे। मैं आवाज देने जा रहा हूं आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राव दान सिंह जी को। एक मिनट, थोड़े शांति का दान दे। सुंदर व्यक्तित्व के धनी भारतीय युवा सम्राट, राजनीति के एक कड़े हुए नेता, जन जन की आवाज, जन नायक, हमारे भाई सचिन पायलट जी, इनके साथ आए हुए हमारे सीएलपी के लीडर राजस्थान से भाई टीकाराम जूली जी, और उनके साथ पधारे हुए विजेंद्र ओड़ा जी जो आज विधायक हैं, कल सांसद होंगे, और भाई इंदिराज जी, रामस्वरूप जी राजस्थान से आए हुए हमारे साथीगण, 3 विधायक जो इंडिपेंडेंट हमें मदद कर रहे हैं, भाई सोमवीर जी, गोलन जी और काला जी, और सम्मानित मंच, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, एक गुजर महासभा के किसानों के नेता सुरेश रावत जी, वह यहां उपस्थित समस्त सरदारी, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद आप अपने नेता के इंतजार में घंटों तक रहे
और आपने पसीना बहाया। मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये पसीना जाया नहीं जाएगा, आने वाली 4 तारीख को ये पसीना रंग लेकर के आएगा। उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने सचिन पायलट जी के इंतजार में क्यों किया। सम्मानित दोस्तों, भाई सचिन जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे परिवार से संबंध है जिसने इस देश को दिशा और दशा देने की बात की। स्वर्गीय राजेश पायलट जी जो किसान नेता के रूप में प्रख्यात रूप से जाना जाता था, मेरा संबंध तो इस परिवार से सबसे पहले स्वर्गीय राजेश पायलट साहब से हुआ, फिर माताश्री आई उनसे हुआ, और भाई आज मेरा अपने भाई के साथ भी संबंध है। जब जब मुझे जरूरत रही है इस भाई ने हमेशा आकर के न केवल पीठ तब दबाई बल्कि हिम्मत हौसले से मदद की है। मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं इनका धन्यवाद कर सकूं, लेकिन आज जो आपका जोश नजर आ रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि आपने भी एक भूमिका तैयार कर ली है यहाँ भाजपा को शिकस्त देने की। जो लोग आज नारा लगाते 400 पार, उनका ये नारा वैसा ही साबित होगा जैसे 75 पार का पिछली लोक विधानसभा में हुआ था। और अगर 400 पार की बात करके घमंड करते हैं तो मैं इतना कहना चाहूंगा, मत कर इतना गुमा है भाजपा के हुक्मरा, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। इनका सूरज ढलने लग रहा है, आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई चूक हुई तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इन लोगों ने कोई वर्ग अछूता नहीं छोड़ा जो पीड़ित ना हो, कोई ऐसी क्लास नहीं छोड़ी जो निराश ना हो। इसलिए एक टाइम था जब लोग कमल के फूल की बात करते थे, आज तो क्या है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल जाओ लोग, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। और वो आपने मुरझा दिए, और उसके लिए हमारे भाई सचिन जी की बहुत सक्रिय भूमिका है। पूरे हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक जहां जाते हैं अपने एक अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये समय बार बार नहीं आता, ये समय बदलाव का है, और इस बदलाव के अंदर अगर आपने अपनी भूमिका निभा दी तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पे 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा ऐतिहासिक होगा, भारी मतों से आपकी विजयश्री होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सचिन भाई का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार। और एक और भाई, 22 तारीख को, सारे भाई सुन लें, 22 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी की रैली है दादरी में, और भाई इस जोश को बरकरार रखना और उस रैली को इससे भी ज्यादा कामयाबी की तरफ लेकर जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 10 बजे का टाइम। महेश सोडा जी कृपया तस्वीर बैठ करें। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं इन दो बातों को साकार करने वाले कुछ इन दो लाइनों के साथ कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं, दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास के पन्नों पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। सचिन पायलट जी, हेलो। इस लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी के, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, हम सबके उम्मीदवार राव दान सिंह जी। और दान सिंह जी की खास बात यह है कि ये हमेशा से नौजवान हैं, 20 साल पहले भी नौजवान थे, आज भी नौजवान हैं। मैं तो लेकिन मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान से पूर्व मंत्री और झुंझुनू के नागर साहब, राम राम। भाई साहब, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, एक शेर, केवल एक शेर अपने शेर के लिए। भाई पढ़ दो, इजाजत दे दिए साहब ने, जोरदार ताली बजा करके पायलट साहब का स्वागत करेंगे। सचिन पायलट, रावदान से जिंदाबाद। भाई सुन ले, एक शेर सुना रहा हूँ अपने भारत के शेर के लिए। मेरा छोटा भाई बेशक है सचिन पायलट, परंतु जब कल बॉम्बे में आप उतरे 10,000 लोगों ने आपको घेर करके आपका स्वागत किया महाराष्ट्र में। और दान सिंह जी, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं 22
सचिन जी आपकी तरफ से मैं जा रहा हूँ 22 तारीख को, और आपका विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे, तुम्हें पलकों पर बिठाने वाले हम ही होंगे। दौलत तो हर कोई लुटाने को बेताब है तुम पर जान लुटाने वाले हम ही होंगे, जान लुटाने वाले हम ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व मंत्री और झुंझुनू से भावी सांसद सम्मानीय ओला साहब, हमारे इंदिराज जी, कसाना साहब, राव साहब, इस मंच पे जितने भी नेतागण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और इस मंच के अलावा जो इस सभा में आप सब लोग मौजूद हो, मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, साथियों, आज की सभा चुनावी सभा है और आपके बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए, दान सिंह जी के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया हूं। पूरे देश में बदलाव का माहौल है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। मैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी मैं गया हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और लगभग 10 साल से हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। इन दोनों सरकारों ने मिलकर 10 साल में जो हाल किसानों का किया है, जो हाल नौजवानों का किया है, हमारे सामने है। और इस बार पूरे देश में 4 चरण का चुनाव हो गया, सब लोग समझ गए। पहले 4-5 चरणों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारे सभी उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए हैं और बीजेपी पिछड़ रही है, इस बात को सब समझ गए। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हमने अपने घोषणा पत्र में 2-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी। सबसे पहली, इस देश के जो अन्नदाता हैं, जिनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की दुगनी हुई है आमदनी? उसके उल्टा खाद, बीज, तेल, पानी, डीजल, सबकी दवाई बढ़ गई, सबकी कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। हम लोगों ने वादा किया, जो लोग काले कानून बनाते हैं, सरकार बनाने से पहले महंगाई की, किसान की, भ्रष्टाचार की, काले धन की बात करते हैं, 10 साल का लंबा समय जनता ने दिया, 10 साल दोनों सरकारों ने काम किया, किसानों पर लाठियां चलाई, आंदोलन करा तो गोलियां चलाई, सैकड़ों किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर, वो 3 काले कानूनों के विरोध में। और आज मुझे फख्र है इस बात का, कांग्रेस वो पार्टी है पूरे देश में जिसने पहली बार ये घोषणा करी है कि समर्थन मूल पर कानून बनेगा, MSP पे कानून बनेगा, और कोई भी व्यक्ति इस देश में, कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी कर, जमाखोरी कर किसान का शोषण नहीं कर सकेगा। समर्थन मूल पर कानून बनेगा, उससे कम कीमत पर देश में कहीं बिक्री नहीं होगी फसल की, ये पहला हमने एक बात रखी अपने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा भाई, देश में जो गरीब परिवार हैं, हर गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की मदद देनी पड़ेगी। महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, बाजार में कुछ सब्जी लेने जाओ, फल फूल साग सब्जी, तेल, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। तो देश के सबसे गरीब जो परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम लोग देंगे, ये हमने वादा किया। बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में चंद लोगों को देश के तमाम हवाई अड्डे, गोदाम, रेलवे लाइन, खान, बिजली घर सब दे दिए। चंद लोगों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ का। ये चंद लोगों को बनाना चाहते करोड़पति, हम करोड़ों लोगों को बनाना चाहते हैं लखपति, ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। नरेगा के काम चलते हैं, हमने कहा नरेगा में जो दिहाड़ी मिलती है 200-250 रुपए मिलती है, हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 रुपए प्रतिदिन देंगे। वे रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, आज हम चाहते हैं कि 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को हम लोग भरेंगे। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हमने घोषणा पत्र में लिखा। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, भाजपा के साथी बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। सुना आप लोगों ने?
कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो इस देश के संविधान में लिखा है, ना हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। इस देश में जो गरीब होगा, वंचित होगा, पिछड़ा होगा, उसको आरक्षण मिलेगा। ये बैठी सरकार दिल्ली में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आप 10 साल से चला रहे हो, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनको आखिर क्यों हटा दिया? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो आखिर के 6 महीने में क्यों हटा दिया? हटा दिया मतलब कुछ गड़बड़ी थी, गड़बड़ी थी तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया? ये समझ गए हमारी जमीन खिसक रही है। आने वाला समय नौजवानों का है, किसानों का है, आप लोगों का है, कांग्रेस का है। इसलिए आप लोगों से मैं वोट मांगने आया हूं, आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं। हम लोग चाहते हैं देश में अगर सरकार चले तो किसी की पसंद नापसंद से ना चले, संविधान से चले, संवैधानिक संस्थाओं से चले। और आप सब लोग जागरूक लोग हो, इस देश में दुनिया बोलती है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत में जमहूरियत बहुत मजबूत है। क्यों है? क्योंकि 70 साल से जो भी कोई सरकार आई है उसने संस्थाओं को मजबूत किया है। लोग कहते हैं वोट पड़ती है, वोट तो बहुत देशों में पड़ती है, वोट तो रूस में पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है मजबूत विपक्ष हो, मजबूत संस्थाएं हो, मजबूत मीडिया हो, सवाल जवाब हो, संसद में चर्चा हो, जवाबदेही तय हो। ये ऐसे लोग हैं साथियों, इन्होंने चलते चुनाव में, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की है, चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए बैंक के, चलते चुनाव में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, 147 सांसदों को 1 दिन में निलंबित कर दिया और संसद में कानून पास कराते हैं। आपने देखा चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव थे, महापौर के चुनाव में चुनाव अधिकारी बैठ के खुद वोटों को खराब कर रहा है, वो तो कैमरा में पकड़ा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर न्याय दिलाया। संस्थाओं को कमजोर करना, विपक्ष को खत्म कर देना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अब जब घबरा गए, पूछो कि महंगाई क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, शिक्षित नौजवान बच्चे बच्चियां दर दर भटक रहे हैं, तो क्या जवाब आता है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके आगे सुई टक जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब चुनाव को 2 हफ्ते हो गए, कोई भाजपा का नेता मंत्री मुख्यमंत्री आके बोला आपके हरियाणा के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर आकर कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं बच्चों को रोजगार दे दूंगा? ये वो लोग हैं भावनाओं से खेलकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आज पूरे हरियाणा में, और एक बात और सुन लो, ये तो लोकसभा के चुनाव है, चंद महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, और आज मेरी बात नोट करके देख लो, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार 6 महीने बाद, कोई रोकने वाला नहीं है। और आप सब लोग, ये रहा हमारा राजस्थान, हमारा आपका, सुनो, हमारा आपका रोटी बेटी का रिश्ता है, और राजस्थान और ये क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ है, तो यहाँ की महक जयपुर तक जाती है। इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं, पहले तो यहाँ सारी सीट लोकसभा की कांग्रेस पार्टी को जिताओ, 6 महीने के बाद आप यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनाओ, और 2028 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार हम लोग बना के देंगे आप लोगों को। ये जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, इस पर वोट लेना चाहते हैं हम? वोट लेना चाहते हैं सरकार कांग्रेस की रही हरियाणा के अंदर, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम लोगों ने क्या कानून बनाए? नरेगा का कानून बनाया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, इन लोगों ने क्या किया? नोटबंदी, GST, 3 काले कानून, और जब कोरोना चल रहा था तो थाली बजवा रहे थे। ये सिर्फ भाषण देना, और देखो भाई, भाषण में तो कोई कमी नहीं है, ऐसा लचीला भाषण देते हैं, आदमी सुनता रहता है। अब कोई टीवी चैनल खोल लो, वही फोटो, वही फोटो, वही फोटो, अखबार में, टीवी में, झंडे में, बैनर में, पोस्टर में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, वही भाषण, वही भाषण, वही आश्वासन, वही जुमले। अरे भैया 10 साल हो गए, 10 साल सरकार में रह लिए, अब कहने 5 साल और दे दो, कि भाई तुम्हें तो चाहिए 15 साल, और जो लड़का जाना चाहता है फौज में उसे बना दो अग्निवीर, उसे दो 4 साल। ये कहां का न्याय है, ये कहां का न्याय है? हमने कहा सरकार हमारी बन गई
तो वापस पुरानी भर्ती खोल देंगे, अग्निवीर को खत्म करेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिले। इन लोगों का कोई संबंध नहीं, ना किसान से, ना किसानी से, ना फौज की जो भावना को समझते हैं, वोट बटोरने के माहिर हैं। लेकिन जनता ने, और भाई आप भी कमाल के लोग हो, जब देते हो तो बम्पर फाड़ के देते हो। ऐसा दिया एमएलए एमपी एक बार दो बार लगातार देते रहे, अब थम जाओ, डट जाओ, अब बदलाव का समय आ गया और बदलाव शुरू करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव से। जिस राज्य में गया हूं मैं, कल उड़ीसा में था, उड़ीसा में बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती, वहां पे ऐसा माहौल मैंने देखा। सच बात तो यह है कि जनता आगे आगे, नेता पीछे पीछे है। जो भी पार्टी के नेता हैं जनता की आवाज को महसूस कर रहे हैं, जनता के जहन में, आज मुंह से कोई नहीं बोल रहा लेकिन सबके मन के अंदर यह है कि बटन ऐसा खींच के दबाऊं कि इस बार यहां से राड काट दो इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी, और मैंने पूछा दान सिंह जी से, मैंने कहा दान सिंह जी बाकी कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने पूछा कौन कौन लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो दान सिंह जी को दो मिनट सोचना पड़ा कि बाकी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। तो कृपया करके अपना वोट बर्बाद मत करना, वोट वहां देना जहां उसकी कीमत हो और जो जीत रहा हो। तो कांग्रेस पार्टी को हाथ का निशान है, बटन दबा के जिताना है, आप लोग वोट देकर जिताओ, कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी और आप लोगों के आशीर्वाद से जो बदलाव देश में हो रहा है। 4 जून को मतगणना है, हम भाजपा की तरह नहीं बोलते 200 पार 300 पार 400 पार 500 पार, अरे भाई जब तुम्हारे 400 पार ही हैं तो चुनाव काय को करा रहे हो। ये जनता किसी के काबू में नहीं है। 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग बोलते थे, और जब पेटी खुली, जब सरकार बनने का टाइम आया तो कांग्रेस की सरकार बनी है। और 2024 में 20 साल के बाद वही इतिहास दोहराया जाएगा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इस सरकार के बनने में, इस सरकार के निर्माण में आप सब लोगों की आहुति चाहिए। आप सब कांग्रेस को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे मेरे बाद यहाँ बड़े भाषण देने वाले आएंगे, अलग अलग बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, तो मैं अरे दादा रुक जा, मैं ये भाषण दे के जा रहा हूँ बावल। लेकिन मैं, अगर मुझे कोई पूछे चंडीगढ़ दिल्ली से कि इस लोकसभा क्षेत्र का परिणाम क्या आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी? मैं आवाज नहीं आई। तो पीछे वाले क्या बोल रहे हैं, पीछे वाले सुनो, जात पे ना पात पे वोट पड़ेगी, हाथ पे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, और लगना चाहिए कि आप नारा दे रहे हो, आवाज पूरे हरियाणा जाने चाहिए, कांग्रेस पार्टी, साइड वाले नहीं बोले, दोनों साइड वाले, कांग्रेस पार्टी। और ये इतना जोर का नारा कि दिल्ली तक आवाज जाने चाहिए, दिल्ली तक, ठीक है? क्यों भाई, ठीक है? कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।